आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे एक नई कार्य के साथ व्यस्त होंगे। तो आज दोस्तों सुबह 9 बजे के करीब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ये देख सकते हैं खूब सूरत नज़ारे के साथ। और मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत सुहाना, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और सर्दी का मौसम है। पर यहाँ पे इंडिया की तरह या और जगह की तरह और कंट्रियों की तरह यहाँ पे इतना फील नहीं होता है। थोड़ा सुबह शाम होता है करीब 6-7 बजे के लगभग, अभी 9 बज चुकी है, अच्छी धूप खिली हुई है, तो इतना फील नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे सर्दी है कि क्या है, क्योंकि ये बहुत गर्म गर्म जगह है। यहाँ पे बहुत ही मौसम, बारिश का यहाँ पे नाम नहीं है। यहाँ पे कभी सालों में जैसा त्यौहार जैसी बारिश होती है तो फिर क्या ही यहाँ पे ठंडा होगा। और क्योंकि जब चारों तरफ बर्फ़ पड़ी रहती है, यूरोप कंट्री लगाओ या इंडिया लगाओ या हर कंट्री की तरफ, तो फिर यहाँ पे समुद्र के जरिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाता है, नहीं तो इतना कोई ख़ास नहीं। तो यहाँ पे हर समय गर्म ही गर्म होता है, क्या बोलें इधर। ये देखो ये सर्दी है तो यहाँ पे मई जून की तरह गर्मी पड़ी हुई है। तो दोस्तों ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं है। ज़्यादा सर्दी भी हर समय रहेगी तो फिर प्रॉब्लम भी होती है, और ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं है। तो फिर आज हम मॉर्निंग वॉक पे आए हैं तो सोचा कि थोड़ा शूट कर दिया जाए और ये नज़ारा आप लोगों के सामने कि कैसा लगा ये वीडियो। और यहाँ पे बारिश ना होने पर भी देखो इधर क्या फूल खिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के बगीचे में है या किसी घर के आगे है, ये गवर्नमेंट रोड है, गवर्नमेंट की सब चीज़ है। तो देख सकते हैं आप ये फूल कितने प्यारे खिले हुए हैं, जबकि किसी के पर्सनल नहीं है ये, तब भी। और बारिश तो मतलब यहाँ मैं बोला ना कि बारिश तो यहाँ त्यौहार जैसी है, सालों में कभी अचानक होती है, नहीं तो बारिश का कोई मतलब नहीं है। तो ये देख सकते हैं कितना हरा भरा हुआ है, ये देख सकते हैं ये नीम के पेड़ हैं। और ये पेड़ का नाम भी मुझे तो मालूम नहीं है क्या है, ये कौन सा पेड़ है, पर ये पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। और वो सामने देख सकते हैं खजूर, और नीम का पत्ते, ये सुबह सुबह नीम के पत्ते चबाने से बहुत फ़ायदा होता है शरीर के लिए, तो इसलिए हम भी ट्राई करते हैं क्या फ़ायदा होता है। पर एक दिन से नहीं होता है, रोज़ चबाएं जो, क्योंकि ये नीम बहुत खट्टा होता है, कड़वा होता है, सॉरी इसका फ्लेवर बहुत कड़वा होता है। जिसने चबाया होगा, जिसने ये यूज किया होगा, उसको अच्छी तरह से पता है कि ये नीम क्या होता है और नीम का क्या फ़ायदा होता है। और जिसने ये देखा ही नहीं होगा, जिसने नया नाम सुना होगा कि नीम का मतलब क्या है, तो उसको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और यहाँ चल रहे हैं दोस्तों और रोड का काम, और ये देख सकते हैं जब यहाँ पे अगर रोड बनती है तो ऐसा ये पूरा बंद किया जाता है चारों तरफ से। वहाँ से देख सकते हैं ऐसे इनके पास ये सीमेंट के कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इनको ये चारों तरफ से लगा देते हैं। वो देखो वो कोई डिजाइन बना हुआ है सामने, देख सकते हैं आप ये यहाँ पे कोई राउंड अबाउट बना रहे हैं शायद। और ये यहाँ लगी हुई है जीवीसी,
तो ये सारा चारों तरफ से बंद, एक लाइन इन्होंने खुला रखी है गाड़ियाँ आने के लिए, और जो जाने वाला रास्ता भी है ये इन्होंने ऐसे कवर कर रखा है। तो देख सकते हैं आप, जो अभी सर्दी के इलाके में है उनका दिल कर रहा होगा कि वाह धूप, धूप में खास हम कहीं गर्माहट जगह पे होते हैं और दुबई जैसी जगह होते तो वाह मज़ा आ जाता, क्योंकि वहाँ पे यूरोप साइड मैंने देखा है कि बहुत बर्फ़ पड़ी रहती है और बेचारे सर्दी से उनका बुरा हाल रहता है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट आया पैदल तो मुझे पसीना होनी शुरू हो गई है। तो ये हाल है भाई इधर के, यहाँ पे देखो ये पूरा मई जून का जैसा मौसम है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये देखो ये सर्दी का मौसम चल रहा है, कहीं तो धूप ही नहीं निकल पाती है इस टाइम, धूप देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। और तो छोड़ो, हमारे इंडिया में भी है कि जहाँ इस टाइम धूप बहुत कम होती है, और ये देखो यहाँ बारिश नहीं होती यहाँ, मैंने बोला आपको ना, ये देखो फिर भी बारिश ना होने के बावजूद इतना हरा भरा, ये देख सकते हैं, ये देख, ये बिल्ला है, ये बिल्ला के बाहर ये फूल खिले हुए हैं, इसके अंदर ये बिल्ला है। तो फिर भी इतना हरा भरा है मौसम, मौसम यहाँ पे ऐसे ही है, कोई बारिश नहीं है, कोई बर्फ़बारी नहीं है, फिर भी देख सकते हैं यहाँ की टेक्नोलॉजी। ये जो देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये बीच में जो ये काले काले पाइप लगे हुए हैं ना, ये देख सकते हैं, ये जो पाइप लगे हुए हैं इनमें पानी फिट रहता है, तो टाइम टाइम पे पानी आता है और इनको पानी की, ये देख सकते हैं पाइप, तो इनको टाइम टाइम पे पानी अपने आप ही आ जाता है। ये देख सकते हैं, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये पानी लगता रहता है इनके जड़ों पे, तो इसीलिए यहाँ पे कारण यही है कि हरा भरा रहने का, क्योंकि यहाँ जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे ऐसी लाइन बिछाई जाती है इनके लिए, तब इनको जीवित रखा जाता है। तो और कोई कारण नहीं है, बस दोस्तों यही है, क्योंकि इसको अमेरिका चला रहा है, तो ये सारा अमेरिका का दिमाग है। यहाँ पे एक से एक चीज़ बहुत अच्छे से अच्छी चीज़, मतलब जो भी है बहुत अच्छा है यहाँ पे, सिस्टम बोलो या कोई ही चीज़ से भी लगा के देख लो कि यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है। ये देख सकते हैं खूब सारा नज़ारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा व्यू। और ये देखो आगे पीछे खजूर के पेड़, और बीच में ये कुछ, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, पर लेकिन इसकी जो कटिंग है वो बहुत प्यारी कर रखी है। ये देख सकते हैं ये जो कटिंग कर रखी है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कुदरती है, पर लेकिन ऐसा है नहीं, इनकी स्टार्टिंग से कटिंग कर रखी है, तो तब जाके ये ऐसे हो रखे हैं। ये देखो ज़बरदस्त है। और ये चौहतराम का, ये चौहतराम है, ये मॉल है, मतलब इसके अंदर वाइन शॉप भी है, ये जो आगे पूरा वहाँ से यहाँ तक है ये वाइन शॉप है, ये देखो वहाँ से लेकर, और ये देखो यहाँ तक, ये पूरे इसके अंदर वाइन शॉप है। वाइन शॉप मतलब मालूम ही है आप लोगों को, दारू के ठेके, दारू की दुकान, तो ये सारा वाइन शॉप है। तो ये सारे इसके आगे उनकी पार्किंग है, और उसके अंदर मॉल है, शॉपिंग मॉल,
और ये सब उसका ही एरिया है यहाँ पे, ये इसके अंदर उसकी पार्किंग है। और ये बाहर मेन हाईवे रोड, ये देखो नीम के पत्ते, और वो देखो वहाँ पे हरे भरे का कारण, ये देखो सुबह सुबह पानी लगा हुआ है। और ये मॉर्निंग वॉक के निकले हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये राउंड अबाउट में देखो ये क्या पानी की बौछार चल रही है सुबह सुबह, देखो इसीलिए वो इतना हरा भरा भी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, वाओ खूबसूरत नज़ारा के साथ हम आपको दिखा रहे हैं ब्लॉगिंग। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेगी ब्लॉग में आपका स्वागत, ज़रूर देखिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है। और सब्सक्राइबर ज़रूर करिए ब्लॉग को, तो ये हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, आपका प्यार हमारे साथ सदा बना रहे और हम आपको नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे ऐसे ही। और ओके गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।